और आज हम जिस टॉपिक पे वेबिनार कर रहे हैं वो है ग्लूकोमा, जो आंखों का एक रोग है। इस रोग की क्या कारण है, क्या इसके बारे में मिथ है, कैसे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस रोग से बचा जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी विवेकानंद नेत्र हॉस्पिटल से ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनन जरीवाला। तो हम उनसे पूछेंगे, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक ग्लूकोमा पेशेंट हूँ, जिसका मेरा भी सर्जरी हुआ है। तो मैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब कैसे क्या स्टेज होती है, कैसे कैसे हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो आगे बढ़ता है, उन सारी बातों के, उन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे सर से। तो सर आपका स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद अर्पित जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो हेतु है ये वेबिनार का, लोगों तक काला मोतिया के बारे में जानकारी पहुंचाएं, उनमें जितना हो सके उतना सफल होने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानना चाहेंगे, कहीं कहीं बीच में अगर आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि लोगों के बारे में मन में जो शंकाएं हैं, एक ग्लोकोमा मरीज के तौर पे क्या क्या हमारे मन में प्रश्न होते हैं, वो भी हम लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोगों को उनके जवाब मिल सकें। इस वेबिनार को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लोकोमा के बारे में क्या मिथ्स है, क्या सत्यता है, मतलब क्या क्या लोगों के मन में शंकाएं हैं। जो लोग मान लेते हैं कि ये बात सही है, खुद सही मान लेते हैं, या इस बात सही है या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग डॉक्टर सर से बात करेंगे कि ये बात हम सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन हम सर से पूछते हैं कि सर, जैसे ग्लूकोमा में कहा जाता है कि आई का प्रेशर बढ़ता है, तो जैसे कहते हैं कि अगर आंख का प्रेशर अगर 20 mmHg से अगर ज्यादा हो गया तो माना जाता है कि पेशेंट को ग्लूकोमा है, तो क्या ये बात सही है सर? अक्सर माना जाता है कि आँख की ग्लूकोमा मतलब आँख का प्रेशर। जनरली लोगों के मन में ये मान्यता रहती है कि आँख का जो प्रेशर है वो जैसे 20 से ऊपर बढ़ गया है तो वो पेशेंट को ग्लूकोमा है। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि 80% वक्त ये सही है, पर ऐसी सिचुएशंस भी है कि जिनमें पेशेंट का प्रेशर मान लो 20 से ऊपर है और फिर भी पेशेंट को ग्लोकोमा नहीं है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होने के बावजूद भी काला मोतिया नहीं है। या फिर किसी पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है कि आँखों का प्रेशर मान लो 20 से कम है और प्रेशर कम होने के बावजूद भी पेशेंट की जो आँख की नस है वो सूख रही है और उनको ग्लोकोमा है। तो जो जनरल लोगों के मन में ये विचार है कि आँख का प्रेशर 20 से बढ़ा मतलब ग्लोकोमा, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो हम आगे जैसे जैसे वेबिनार में बढ़ते जाएंगे, हम डिटेल में जानेंगे कि आँखों के प्रेशर के अलावा हम और क्या चीज़ देखते हैं जिससे कि हम सही डिसीजन पे पहुंच पाए कि दर्दी ठीक को ग्लूकोमा है कि नहीं। है सर, जैसे कि आंखों का सिर्फ प्रेशर ही एक क्राइटेरिया नहीं है, ऐसे ही सर एक अगला क्वेश्चन ये था, एक अगला मिथ है ये कि ग्लूकोमा के लिए जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि पेशेंट ड्रॉप लेता है और जब तक वो ड्रॉप चलता है वो डालता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुद से ही बंद कर देता है। तो क्या ग्लूकोमा के लिए जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? तो जनरली हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स का ऐसा मानना है कि जैसे आँख की कोई भी तकलीफ हो, जैसे आपकी आँखों में पानी निकल रहा है या इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर आपको एक शीशी देंगे और बोलेंगे कि इतनी दफ़ा डालनी है, और फिर पेशेंट को जनरली वो चीज़ ठीक हो जाती है तो पेशेंट अपने आप से समझ जाता है कि मुझे दवाई बंद करनी है। पर ग्लोकोमा के मामले में ऐसा नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जो दर्दी या जो पेशेंट्स एक बॉटल बंद होने के बाद जब दवाई डालना बंद कर देते हैं तो उनका प्रेशर फिर से बढ़ता है और उनका जो काला मोती है वो आगे बढ़ता जाता है। और इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी दर्दी को डायबिटीज़ है
और डायबिटीज के दर्दी को अगर मान लो आप किसी गोली से उनका शुगर कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इंसुलिन दे के उनका शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दर्दी जब तक दवाइयाँ या इंसुलिन लेगा तब तक उनका शुगर कंट्रोल रहेगा, पर जैसे ही उन्होंने शुगर की दवाइयाँ बंद करी या फिर उन्होंने कुछ मीठा खाया या फिर इंसुलिन लगाना बंद कर दिया, वैसे उनका शुगर वापस से बढ़ जाएगा, रोग अपना काम वापस से शुरू कर देगा। उसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोकोमा के अंदर भी आपको जो भी दवाइयाँ दी गई हैं वो आपकी आँख का दबाव कम करने के लिए है, और ये दबाव तब तक ही कम रह सकता है जब तक कि आप दवाई आपके डॉक्टर के कहने के मुताबिक डाल रहे हैं। जैसे ही आपने दवाई बंद करी और वैसे वापस से प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, हालांकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पर आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा कि दवाई बंद करी है फिर भी मेरा प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि उसका कोई सिम्टम्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स को कोई फर्क महसूस नहीं होता है, तो कुछ पेशेंट्स मान बिल्कुल के चलते हैं कि दवाई डाली फिर भी कुछ फर्क नहीं लग रहा है, दवाई बंद करी फिर भी कुछ फर्क नहीं लग रहा है, तो हम दवाई बंद ही कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे दर्दी का आंखों का दबाव बढ़ता है, रोग बढ़ता है, और आगे जाके रोशनी कम होने का या अंधापन आने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। हालांकि इसमें कोई वार्निंग पेशेंट को नहीं मिलती है, यही इस रोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं या इश्यू कह सकते हैं। तो मूल मिला के बात यह है कि ग्लोकोमा की जो भी दवाई टीपे आपको दिए जाते हैं वो आपको कभी भी अपनी तरफ से आपके डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करने हैं। अगर मान लो आपको वो दवाई से कुछ परेशानियां हो, जैसे आंख में लालापन हो या आंख में चुभन हो, शुरुआत में लाली हो, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनको बताएं कि आप क्या परेशानी से गुजर रहे हैं, तो वो ही आपको या तो आपकी दवाई बदल देंगे या आपको होने वाली परेशानी को कम करने के लिए सुझाव देंगे। पर आपको बिना पूछे दवाइयां बंद नहीं करनी है, एक बॉटल खत्म होने से पहले ही सेम दूसरी बॉटल घर पे रखनी है, ताकि आपकी दवाई में कहीं पे बीच में अंतर ना पड़े और आप लगातार दवाई डालते रहें। ठीक है सर, जैसा कि सर ने बताया है कि ग्लूकोमा की दवाई ऑटोमेटिक बंद नहीं करना चाहिए, हमें परामर्श लेके डॉक्टर को दिखाकर ही लेना चाहिए। इस बारे में मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बार मुझे भी ऐसा नॉर्मल फील होता है कि होता था कि आई मेरी बिल्कुल सही है, और मैं जब रेगुलर चेकअप के लिए जाता तो मुझे वहां पता चलता है कि मेरा आई का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसका कोई सिम्टम हमें महसूस नहीं होता है कि आई का प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम लोग चेक करवाते हैं तब जाके पता चलता है कि आई का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसमें हमें दवाई बंद नहीं करना चाहिए, परामर्श लेने के बाद, कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगला सवाल सर यह था कि इसे एक बार ग्लोकोमा का निदान होने पर क्या अंधापन हमेशा आता है? तो ये जो मान्यता है ये अभी भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर अभी भी कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार हैं कि आज से मान लो 30-40 साल पूर्व या 20 साल पूर्व जो ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट अवेलेबल थी या लोगों के पास विकल्प थे ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत कम थे, क्योंकि इतनी जागृति नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। और आज हमारे पास जो ट्रीटमेंट के विकल्प हैं, टीपे हैं, लेजर हैं, सर्जरी हैं, उनमें से कुछ उस समय अवेलेबल नहीं होते थे। तो जनरली आपने शायद हम मतलब आपके परिवार में या अपने दोस्त मित्र के परिवार में बुजुर्ग जो होंगे, जनरली जो आज मान लो 70-80 साल की उम्र के नज़दीक है, वो जनरली ये मानते हैं, क्योंकि उनके समय में उन्होंने या तो उनके माता पिता की ट्रीटमेंट के बारे में ये देखा होगा कि एक बार ही किसी को ग्लूकोमा का निदान होता है, डायग्नोसिस होता है, तो अक्सर उस समय लोगों का मानना ऐसा था कि अभी अंधापन आने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल हाँ, जैसे ऐसा मान के चलिए कि अगर मुझे एक समानता देनी हो तो आज से कुछ साल पूर्व अगर किसी को कर्क रोग यानी कैंसर का निदान होता था तो लोग मानते थे कि अभी आगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज की तारीख में कर्क रोग की ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत एडवांस्ड है, और पहले के मुकाबले हम सारी बहुत सारी कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मान लो ग्लोकोमा का समय सर निदान हो जाता है, आपका बहुत नुकसान नहीं हुआ है आंखों में, रोशनी अभी भी ठीक है, ग्लोकोमा का समय पे निदान हो जाता है, और अगर आप अपने
डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सही तरीके से दवाई डाल रहे हैं, अपनी आंखों का प्रेशर कंट्रोल में रखने में आप डॉक्टर की मदद कर रहे हैं, और समय दर समय थोड़े थोड़े समय पे आंखों की जांच, पेरीमेट्री टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम अंधापन को आने से रोक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी को ग्लोकोमा का डायग्नोसिस हो तो उनको अंधापन हमेशा आएगा ही, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे पास परामर्श कराने वाले आने वाले दर्दियों में कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा दर्द और उदासीन का माहौल होता है कि अभी तो मुझे ग्लोकोमा हो गया है, और मुझे हमेशा से ये डर सताए रखता है कि मैं ग्लूकोमा की वजह से अंधा या अंधी नहीं हो जाऊंगी ना। तो उनके लिए मेरी हमेशा से राय ये रहती है कि आप लगातार अपना चेकअप करवाएं, और जो सलाह आपको दी गई है टीपे डालने की या फॉलोअप के लिए चेकअप कराने की, अगर वो आप सही ढंग से पालेंगे उसको, उसका पालन करेंगे, तो आप में अंधापन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उससे डरे नहीं, आप और आपके डॉक्टर मिलके ग्लूकोमा को आसानी से हरा सकते हैं। अगला मिथ ये था कि जैसे किसी व्यक्ति को आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जनरली उनका ये मानना होता है कि उन्हें ग्लोकोमा नहीं होगा, मतलब अगर उसकी रोशनी सही है या आंख में और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या यह बात सही है कि अगर आंख में रोशनी में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है तो उसे ग्लोकोमा होने की संभावना नहीं है? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि जो आज की तारीख में जैसे चेकअप के लिए आने वाले जो 100 दर्दी अगर हम देखें, तो उनमें से 80 या 90% पेशेंट का जब निदान होता है तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब, मुझे आंखों में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है, और आप बता रहे हैं कि मुझे ग्लूकोमा यानी काला मोतिया हुआ है, ये कैसे संभव है? अगर ग्लूकोमा है तो मुझे मेरी आँख के अंदर कोई तकलीफ तो महसूस होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिनको काला मोतिया है उनको आँख में कोई भी तकलीफ हो तभी उनको काला मोतिया हो सकता है। हालांकि जब काला मोतिया बहुत आगे वाले स्टेज पे पहुंच जाता है, अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाता है, तब दर्दी को अपने विजन में कटौती दिखती है, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो हमारी आंखों का मान लो 70 या 80% नुकसान जब तक नहीं हो जाता है, तब तक दर्दी को कई बार कुछ भी पता नहीं चलता कि मुझे कोई भी तकलीफ है या नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा आंखों में कोई भी तकलीफ है या नहीं है, पर 40 साल की उम्र के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो उनको ग्लूकोमा है, अर्ली स्टेज पे हैं, शुरुआती तौर पे हैं, तो उनको कोई सिम्टम नहीं होगा, पर फिर भी अगर आंख में ग्लूकोमा है और उस समय पे अगर हम उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि हम जो है उनकी आंख को बचा सकते हैं और उस स्टेज पे जाने से रोक सकते हैं जहां पे उनका विजन कम हो, और फिर वो विजन कम होने के बाद उस सिचुएशन में उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, तो वो दर्दी के लिए भी एक बहुत बुरी खबर होती है। वो ऐसा जब सुनते हैं कि उनका विजन कम हो गया है पर उसकी कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इस रोग का एक ही महत्वपूर्ण पहलू है कि हम उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लें ताकि उसको लेट स्टेज तक जाने से हम रोक सकें, और अगर मान लो अगर वो लेट स्टेज तक पहुंच भी जाता है और हम उसका निदान कर लेते हैं, तो उस स्टेज पे हम उसकी रोशनी को वहीं के वहीं स्टेबल कर सकते हैं, पर वहां से जो रोशनी में कटौती हुई है उसको हम सुधार नहीं सकते। तो एक और अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है जो कि ग्लूकोमा का इलाज सिर्फ टीपे हैं और उसकी लेजर या सर्जरी नहीं करानी चाहिए। अक्सर पहले के जमाने में ग्लूकोमा की जो ट्रीटमेंट होती थी उनमें लोग जो थे वो खुद से डर रहे थे कि ग्लूकोमा की जो सर्जरी होती है
वो सर्जरी के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता था, और वो ऐसा रिस्क होता था कुछ पेशेंट्स के अंदर, आज से 20 से 30 साल पूर्व देखें तो ग्लूकोमा की सर्जरी बुजुर्ग कराना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कुछ लोगों में ग्लूकोमा की सर्जरी कराने के बाद रोशनी कम हो ऐसा कुछ बुजुर्गों ने देखा है। तो आज की तारीख में भी जब ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट आती है, जब हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट टीपे के अलावा जो लेजर और सर्जरी दोनों से की जा सकती है, तो उनके लिए मानना थोड़ा मुश्किल होता है। और आज की तारीख में टीपे तो है ही, आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छे ग्लूकोमा के ड्रॉप्स अवेलेबल है, और उससे ही 80 से 90% पेशेंट के अंदर हम आंखों का दबाव कम करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं या कुछ ग्लूकोमा ऐसे हैं जिनके अंदर हमें लेजर, यानी जो एरिडोटोमी करके हम बोलते हैं, लेजर से हम पानी जाने का रास्ता बड़ा कर देते हैं, तो उससे भी ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ग्लूकोमा का लेजर करा लेना चाहिए, तो आपको बिल्कुल करा लेना चाहिए। और सर्जरी की जब तक जरूरत ना हो, तब तक हम लोग पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि ग्लूकोमा की सबसे पहली ट्रीटमेंट ये है कि हम पेशेंट के लिए टीपे, उसके बाद टीपे से अगर कंट्रोल नहीं होता है तो लेजर, और लेजर से भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम सर्जरी के बारे में सजेशन देते हैं। और अगर आपका मोतिया सर्जरी के स्टेज पे पहुंच चुका है, तो हमें बिल्कुल ये सोचना है कि आपके डॉक्टर ने अगर आपको सर्जरी के बारे में सलाह दी है, तो आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। और आपके मन में जो भी प्रश्न है सर्जरी को लेके, वो आपके डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। पर सर्जरी ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है तो आप उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा था पांचवा सवाल, और अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि ये है कि कुछ मेरे मरीज जो हैं, जिनको मान लो ग्लूकोमा भी है और उनको मोतियाबिंद भी है, तो अगर उनमें हम ऐसे बताते हैं कि आपको अभी मोतियाबिंद हुआ है और आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, हम सफ़ेद मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं कि आपको सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो कुछ दर्दियों में हमने ये पाया है कि उनके मन में दुविधा होती है कि जैसे मुझे ग्लूकोमा है, मतलब मुझे काला मोतिया है, और मुझे अभी सफेद मोतिया भी हुआ है, तो इस परिस्थिति में क्या मुझे सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, या फिर सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने से मेरी रोशनी में कोई फर्क पड़ेगा, मेरी रोशनी में कटौती होगी? क्योंकि कुछ दर्दी अभी भी ये मानते हैं कि जिनको काला मोती होता है वो सफेद मोती, यानी जो कैटरेक्ट बोलते हैं हम, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा सकते। हालांकि ये सही नहीं है, जैसे काला मोतिया से आपका बाहरी हिस्सा जो होता है विजन का वो कम होता है, और मोतियाबिंद जो है वो अक्सर आपके दृष्टि का बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको कम करता है। तो आपके केस में सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से आपकी रोशनी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपकी रोशनी में सुधार हो पाएगा, कितना सुधार हो पाएगा, तो वो सलाह मशवरा करें। तो काला मोतिया की में कटौती हुई है, जो बाहरी हिस्सा हम नहीं देख पा रहे हैं, बीच वाला हिस्सा खाली देख पा रहे हैं, तो बाहरी हिस्से को हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन से ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काला मोतिया की वजह से खराब हुआ है। पर आपकी जो बीच वाले हिस्से की रोशनी है उसको बिल्कुल सुधारा जा सकता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन को करके। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपकी रोशनी में क्या सुधार होता है, ये उस पर निर्भर करता है कि आपका काला मोतिया कितना आगे बढ़ चुका है और आपका मोतिया कितना कठिन है, यानी कि आपका मोतिया जो है वो
बीच वाले हिस्से की रोशनी को कितना कम कर रहा है। तो बिल्कुल काला मोतिया के दर्दी के अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा सकता है, पर उसके बाद हम विजन में क्या फ़र्क उम्मीद रखते हैं इसके बारे में आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे मेरे दर्दियों द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, और इनमें से कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो कि आज की तारीख में सही नहीं है, और कुछ मान्यता की वजह से पेशेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट करने से कतराते हैं और मिसगाइड होते हैं, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि जो ग्लूकोमा के रिलेटेड हकीकतें हैं और कुछ मान्यताएं जो गलतफहमी हैं उनको हम दूर करें, और हमारा जो अगला हिस्सा है ये वेबिनार का, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया जो रोग है वो हकीकत में क्या है, उसकी एक बिल्कुल सरल भाषा में कोशिश करेंगे समझने की, जानकारी पाने की कि ये बीमारी क्या है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि ये बीमारी क्या है और ये कैसे होती है, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे कंसल्टेशन रूम में अक्सर जब पहली दफ़ा दर्दी आते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि आपको ग्लूकोमा है, आपको काला मोतिया है, तो उनका सबसे आश्चर्यजनक रिस्पॉन्स ये होता है कि डॉक्टर साहब काला मोतिया क्या होता है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, और उनके लिए बहुत नई चीज़ है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है कि ग्लूकोमा क्या होता है तो वो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हालात हैं। तो एक वीडियो के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोमा असल में होता क्या है। जैसे ये हमारी आँख की पुतली है, आँख की पुतली के अंदर जो है एक प्रवाही भरा होता है जो कि पिछले हिस्से से बनता है और आगे जाता है और फिर वो आगे से बाहर निकल जाता है। उसकी बाहरी निकासी व्यवस्था जो होती है वो निकासी व्यवस्था में जब बाधा आती है तो आँख का पानी बढ़ जाता है और वो कहीं पे बाहर नहीं निकल सकता और आँखों का दबाव बढ़ता है इसके चलते। और ये दबाव जब बढ़ता है तो जो हमारी पीछे आप देख रहे हैं जो हमारी नस है जो पीले रंग की, वो आँख का सबसे वीक हिस्सा है। तो जब वहाँ पे दबाव पड़ता है तो वो नस सूखना शुरू होती है, और ये जब नस सूखती है तो हमारा बाहरी हिस्सा विजन का कमजोर पड़ता है और धीरे 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 से वो बीच वाले हिस्से को खत्म करते जाता है और फिर विजन कम होता जाता है। तो ये ग्लूकोमा ऐसे होता है। अगला हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि ग्लूकोमा का पता कैसे चलता है। तो जनरली जैसे मैंने पहले भी हमने बात करी है कि ग्लूकोमा का कोई सिम्टम नहीं है, तो शुरुआती चरणों में पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं होगा, पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होगा, पर जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है बाहरी हिस्सा खत्म होता जाता है पर बीच वाला हिस्सा अभी भी सलामत है। एक समय आता है जब ये बीच वाला हिस्सा भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब जाके दर्दी को पता चलता है कि मुझे ग्लूकोमा हुआ है, और उस समय पे हमारे पास ट्रीटमेंट के विकल्प पे और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए पहले हमने जैसे बताया कि ग्लूकोमा का पता दर्दी को होने से पहले अगर वो अपनी आँखों का रेगुलर चेकअप करवाते हैं तो उनसे पहले उनके डॉक्टर को पता चलता है। और अगर मान लो आपको आपके डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको ग्लूकोमा है पर वो बहुत शुरुआती चरण में है,
तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टेज पे रोग को हमने पकड़ लिया, तो जैसे मैंने पहले बताया, हम आधी जंग जीत चुके हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे पकड़ने पे उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, और अगर आप सही तरीके से आपके डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग जो ग्लूकोमा है वो उसको आप कंट्रोल करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं, और ऐसे बिता सकते हैं कि जिससे ग्लूकोमा आपकी विजन के ऊपर नकारात्मक असर ना डाले। तो वापस से हम अर्पित जी से कुछ जानना चाहेंगे कि उनकी जो खुद से अनुभव रहे हैं ट्रीटमेंट के, वो कैसे रहे हैं, और एक पेशेंट पर्सपेक्टिव से उनको कैसा महसूस हुआ है। अर्पित जी, सर, ग्लूकोमा में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बेसिकली यह रहा है कि हमें तो डरना नहीं चाहिए और टाइम टाइम पे चेकअप के लिए जाना चाहिए। जैसे जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, जैसे जैसे आपको चिकित्सक आपको परामर्श देता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे ड्रॉप्स डालना है, ड्रॉप्स अगर आप टाइम डालते हैं और आप चिकित्सक की एडवाइस को तो अगर मानते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से भी ओवरकम हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न आगे आपसे ये, पढ़, जी सर, सर अगला प्रश्न ये था कि ग्लोकोमा का जो जोखिम है वो किसको होता है और किन लोग ग्लोकोमा का चेकअप करवाना चाहिए, मतलब किन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, किन लोगों को ग्लोकोमा का चेकअप करवाना चाहिए और किसको ज्यादा जोखिम है। जी तो ये फिर से हम एक वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जिनको डायबिटीज है, जो दर्दी को डायबिटीज है उनको ग्लोकोमा का चांसेस ज़्यादा है, तो उनको सबसे पहले शुगर का अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना है। दूसरा है कि 40 साल से ज़्यादा की आयु, तो बढ़ती उम्र में ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ता है। जिनको फैमिली हिस्ट्री है किसी को ग्लोकोमा की, जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट शुगर कंट्रोल नहीं है, मायोपिया है, आँखों में चोट लगती है, सूजन है या जलन है या गांठ है या फिर मोतियाबिंद है, कुछ प्रकार के मोतियाबिंद के अंदर भी ग्लोकोमा का जोखिम बढ़ जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवाई अगर कोई लेता है किसी और बीमारी के लिए, तो उसको भी ग्लोकोमा का जोखिम बढ़ जाता है। तो मूलभूत जो कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, जैसे कि 40 साल के ऊपर की आयु, आपकी फैमिली के अंदर मान लो आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, किसी को अगर ग्लूकोमा का निदान हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली हिस्ट्री वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको 40 साल की बाद आयु के बाद अपना रेगुलर आंखों का चेकअप आँख के डॉक्टर के पास कराना है, क्योंकि जो अक्सर बुजुर्ग जो 40 साल की उम्र के बाद पाया जाने वाला जो ग्लूकोमा है, वो फैमिली हिस्ट्री जिसको पॉजिटिव है उसको 10 गुना ज़्यादा जोखिम है एक नॉर्मल इंसान से, जिससे कि कोई भी जिससे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसको जो रिस्क है उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके परिवार में किसी को काला मोतिया है, तो आप ये कोशिश जरूर करें, आप अपने आँख के डॉक्टर से परामर्श करें, अपनी फैमिली हिस्ट्री बताएं, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री जानने के बाद हो सकता है कि जो किस्सों में ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ग्लूकोमा की शुरुआत हो गई है, आपके आँख के डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएं, और शुरुआती चरण में, जैसे पहले हमने बताया, शुरुआती चरण में निदान करने के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है आपने ये बताया है, तो आपके डॉक्टर भी आपके केस में ज़्यादा सतर्क रहेंगे,
और कोशिश करेंगे कि आपके आप में अगर ग्लूकोमा हो रहा है तो बिल्कुल शुरुआती चरण पे ही उसको हम ध्यान पे ले लें, ताकि उसकी सही जांच और ट्रीटमेंट हो सके। दूसरे दर्दी, जैसे हमने देखा कि जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, तो ये दोनों बीमारी ऐसी हैं कि जो लगभग शरीर के सारे अंग पे असर करती है, और आँख भी उनमें से एक है। तो ये दोनों बीमारियों का बहुत सही तरीके से ध्यान रखें, आपके फिजिशियन की सलाह के अनुसार ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट चलाएं, और जितना अच्छा आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहेगा, उतनी ही बाकी के शरीर के ऊपर जो नकारात्मक असर हैं ये दोनों रोगों की, वो कम होगी, और जाहिर है आँख पे भी कम होगी। दूसरे, जिन दर्दियों को किसी वजह से चोट लगी है, जैसे मान लो आपको खेलते वक्त कोई चोट लगी है, गेंद लगी है, या दिवाली समय कुछ लोगों को हमने कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको फटाके लगते हैं, तो जो चोट लगती है, किसी भी ब्लंट ट्रॉमा जिनको हम बोलते हैं, जोर से आँख के ऊपर लगती है चोट, तो उन दर्दियों को भी ग्लूकोमा का रिस्क है। तो भले ही एक बारी चोट लगने के बाद आपका विजन फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, फिर भी आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना है। दूसरे दर्दी वो है कि जिनमें शरीर की किसी बीमारी के लिए स्टेरॉयड की दवा चलती है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी को आस्थमा है और उनको इनहेलर में स्टेरॉयड चलते हैं, मान लो किसी पेशेंट को सोरियासिस है, उनको स्किन की क्रीम चलती है, मान लो किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उनको गोलियां चल रही हैं स्टेरॉयड की, तो अलग अलग फॉर्म में स्टेरॉयड की जो भी दवाई हैं जो शरीर में जाती है, तो स्टेरॉयड जो है वो आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, और प्रेशर जब बढ़ता है तो आपको पता नहीं चलता, पर अगर आपको पता हो कि मुझे कोई और बीमारी के लिए स्टेरॉयड चल रही है, तो आप अपने आँख के डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं, और ख़ास करके उनसे ये भी पूछें कि डॉक्टर साहब मेरे आँख का प्रेशर सही है, और उनको ये बताने पे उनको भी ये मालूम रहेगा कि अगर आपको स्टेरॉयड चल रहा है तो आपके अंदर प्रेशर बढ़ने का एक जोखिम है, तो हर बारी आपकी ये जांच भी होती रहेगी। तो होने के लिए ग्लूकोमा किसी को भी हो सकता है, पर जो पेशेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, चोट लगी हो, आँख में सूजन हो या जलन हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाई हैं, तो इन पेशेंट्स के अंदर खास करके ग्लूकोमा का जोखिम सामान्य इंसान से थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको ये जो सारी जानकारी है ये आपको आपके आँख के डॉक्टर को बतानी है, जिससे कि उनको आपके निदान में मदद मिलेगी और आपकी ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें स्टेरॉयड किसी भी रीज़न से चल रहा है, और अगर आँख के डॉक्टर को पता है कि स्टेरॉयड चल रहा है, तो वो जिन जिन डॉक्टर ने स्टेरॉयड शुरू किया है उनसे परामर्श करके कई बार हम ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं कि वो जो स्टेरॉयड नहीं है, तो जिस कारण आपका आँखों का दबाव बढ़ रहा था, अगर हम उसी को हटा देते हैं तो हो सकता है कि आपके आँखों का प्रेशर फिर से कम हो जाए और आपको ग्लूकोमा की दवाइयाँ या टीपे की ज़रूरत ना पड़े या कम ज़रूर पड़े। तो ये सारी जानकारी आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो सर कि अगला प्रश्न, जी अगला प्रश्न ये है कि ग्लूकोमा की जांच कैसे की जाती है और इसके चेकअप चेकअप कैसे होता है, मतलब ग्लूकोमा का, और इसके कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, कौन सी जांच करवा के डायग्नोसिस किया जाता है कि आपको ग्लूकोमा है या आपको ग्लूकोमा नहीं है। तो ये जो है ये एक बहुत ही, फिर से कहूँगा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक लोगों के मन में यही विचार है कि ग्लूकोमा की जांच मतलब एक ही जांच है,
जिनकी आंखों का प्रेशर 20 से ज़्यादा है। कुछ पेशेंट्स का या कुछ व्यक्तियों का ये मानना है कि उनको ग्लूकोमा है। तो आज की तारीख में हमारे पास ग्लूकोमा की कई सारी निदान की पद्धति हैं, टेस्ट हैं, जिससे कि हम फाइनल एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमारे पास एक जिक्सो पज़ल है, एक पज़ल के अलग अलग पीसीस हैं हमारे पास, और हमें पता नहीं है कि फाइनल पिक्चर क्या बनेगा, पर जैसे जैसे हम पीसीस को उसकी जगह पे रखते जाएंगे और एक फाइनल पिक्चर बनेगा, तब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो पज़ल क्या थी या उसका आंसर क्या था। तो ग्लूकोमा को उसी तरीके से एक पज़ल के समान मानिए जिसके बहुत सारे पहलू हैं। हम थोड़ी सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे कि मान लो किसी दर्दी को ग्लूकोमा का निदान किया जाता है, तो उस दर्दी के अंदर इनमें से कौन कौन सी जांच अक्सर की जाती है। हो सकता है सारी जांच ना की जाए, और हो सकता है कि सारी जांच की ज़रूरत पड़े, पर अगर आपको पता हो कि कौन सी जांच का हेतु क्या है, तो आप अपने डॉक्टर को सहकार ज़्यादा दे पाएंगे और अपने रोग के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ग्लूकोमा के अंदर आँख का दबाव बढ़ता है, तो सबसे पहली जांच जो है, जिसको टेक्निकली टोनोमेट्री बोलते हैं, टोनोमेट्री माने आँख का दबाव, तो वो जो है अक्सर अलग अलग मशीनों पे जांचा जाता है, और हम लोग जो है एक ब्लू लाइट के ऊपर उसका आँख का प्रेशर लेते हैं, जो कि सबसे सही माना जाता है। तो आँखों का प्रेशर ग्लूकोमा की डायग्नोसिस यानी निदान और उसकी सारवार का एक पहलू है, पर उसके अलावा जैसे आपको कौन से प्रकार का ग्लूकोमा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरी जांच है जिसका नाम है गोनियोस्कोपी। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आँख के अंदर का अवरोध, जो पानी को बाहर नहीं निकलने देने वाला जो अवरोध है, वो कौन सी जगह पे है। तो ये जो जाँच है ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि हम आपके काला मोती का प्रकार जान सकें। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर खाली टीपे दिए जाते हैं, और मैं ये जो जांच की बात कर रहा हूँ वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काला मोतिया का एक जो दूसरा प्रकार है जिसको बंद कोण काला मोतिया कहा जाता है, उसमें जनरली शुरुआती तौर पे अगर हमने लेज़र किया तो हम रोग को वहीं रोक सकते हैं, और उसके लिए है पहली ट्रीटमेंट जो अक्सर लेज़र होती है, अगर उसमें हमने टीपे शुरू किए तो प्रेशर तो कम हो जाएगा पर रोग अपने आप से आगे बढ़ता जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। तो गोनियोस्कोपी माने आँखों की आंतरिक निकासी व्यवस्था देखनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की आँख का दबाव जांचने की। तो ये हुई दूसरी जांच जिसके अंदर एक डॉक्टर, ये आपके आँख के डॉक्टर आपकी आँख के अंदर एक लेंस रख के आपकी आँख की आंतरिक निकासी व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद की जांच है पेरीमेट्री, जो कि आँख के दृष्टि विस्तार की जांच है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बाद में जानेंगे, पर आप में से कई लोगों ने, जिनमें खास करके जो ग्लूकोमा के मरीज हैं, उन्होंने देखा होगा कि आपके डॉक्टर पेरीमेट्री आपको करवाने के लिए बता रहे हैं, तो वो आपकी दृष्टि के ऊपर ग्लूकोमा का क्या असर हुआ है वो आपको जांच बताता है। उसके बाद की जो जांच आती है उनमें से एक जांच ये है पैकीमेट्री, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है जांच, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, जैसे हमने पहले बात करी कि अगर मान लो किसी का दबाव आँख का 20 से ऊपर है तो उसको ग्लूकोमा है, ऐसा जनरली लोग मानते हैं, पर अगर मान लो हम वो दर्दी की आँखों की पुतली माने कि कॉर्निया की जो थिकनेस होती है उसकी जांच करें, और अगर पेशेंट की कॉर्निया आगे वाला जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट विंडो है अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो हमें उस हिसाब से एक कैलकुलेशन बिठाना होता है कि सही मायने में आँख का प्रेशर क्या है।
एक सरल सा उदाहरण देता हूँ कि मान लो किसी दर्दी का प्रेशर 25 आता है, पर उसकी कॉर्निया की पुतली बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसकी आँख का जो प्रेशर हम नाप रहे हैं वो सही में शायद 25 ना हो, उससे कम हो। तो पेकीमेट्री माने कि आँखों की पुतली की चौड़ाई, ये जानने के लिए हमें मदद करती है कि हमने जो प्रेशर की जांच करी है, हम जो प्रेशर नापा है वो सही है या उसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूर है। उसके बाद की जांच है फंडस फोटो। तो ये जो है वो आपकी आंख की नस का फोटोग्राफ हम निकालते हैं इसके अंदर, क्योंकि ग्लूकोमा के अंदर आपकी आंख की नस सूखती है, तो हमारे पास अगर आपकी आंख की जो फोटोग्राफ है अगर वो हम समय दर समय देख के कंपेयर कर सके कि उसमें अगर छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, तो हम ये तय कर सकते हैं कि शायद आपका ग्लूकोमा बढ़ रहा है। तो ये आंखों की जो नस का फोटो है ये हमें संभाल के रखनी है, और थोड़े थोड़े समय के बाद हो सकता है कि आपके डॉक्टर उसके साथ कंपैरिजन करें कि समय के साथ आपके ग्लूकोमा में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक और जांच है जिसको टेक्निकल भाषा में ओसीटी मान बताया जाता है। तो वो क्या है, जो हमारी नस है उसमें बहुत सारे बारीक बारीक तंतु हैं, जैसे वायर्स हैं, आप ऐसे मान के चलिए, बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स हैं जो कि पर्दे के ऊपर से मगज के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ग्लूकोमा में ये जो बारीक तंतु होते हैं उसके अंदर नुकसान होता है, तो उसकी थिकनेस माने आप ये चल मान के चल सकते हैं कि आपकी नस का स्कैन वो हमें, आपका ग्लूकोमा शुरुआती तौर पे अगर हो तो कई बार वो हमें पेरीमेट्री से भी पहले आपका ग्लूकोमा का निदान करने में कई बार मदद रूप होती है। तो जैसे मैंने बताया ये 6 जांच है, हर एक दर्दी के अंदर सारी जांच की ज़रूरत नहीं होती है या कुछ पेशेंट्स के अंदर सारी जांच की जाती है। ये निर्भर करता है कि आपकी आँख की परिस्थिति क्या है और आपके डॉक्टर आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी जांच आपके अंदर करनी ज़रूरी है। जैसा कि आपने इन 6 जांच के बारे में बताया है, तो मैं एक ये पूछना था कि पेरीमेट्री जांच जो आपने बताया है कि पेरीमेट्री जांच, तो वो क्या होता है और वो कितनी बार कर बार बार करवाने की जरूरत होती है या कितने अंतराल के बाद करवाने की जरूरत होती है? तो ये जो है हम एक और प्रेजेंटेशन से देखेंगे। एक इमेज आपके सामने है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पेरीमेट्री की जांच है वो आपका जो दृष्टि का विस्तार है वो हमें बताता है। और जैसे कि आप चित्र में देख पाएंगे कि जो आपकी दाई साइड का चित्र है उसके अंदर बिल्कुल पहला गोला है, उसके अंदर आपको जो कुदरती दृश्य है वो सही दिख रहा है। और फिर जैसे जैसे ग्लूकोमा बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको जो विजन के अंदर कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं वो आप अपने ये चित्र में देख सकते हैं। आप जब जैसे देखें कि सबसे पहला चित्र है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ काले काले धब्बे आए हैं। आपके सामने जो खेत हैं और आकाश हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि काले काले धब्बे आए हैं। जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता जाएगा, जैसे हम मिडल स्टेज पे पहुंचेंगे, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर आपका विजन कम हो गया है, क्योंकि ग्लूकोमा की वजह से वहाँ पे रोशनी कमजोर पड़ गई है। और जब अगर आप इनमें से किसी स्टेज के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और आपका काला मोतिया धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो आप अंतिम पड़ाव यानी एडवांस स्टेज पे पहुंचेंगे, जहां पे आप देख सकते हैं कि आप खाली बीच वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। तो इससे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लूकोमा का मरीज होता है उसको अपनी डेली लाइफ में जो उसका विजन होता है, जो उसका दृष्टि का विस्तार होता है, उसमें कौन कौन सी मुश्किलियां आ रही हैं, उसका कितना विजन कमजोर हो चुका है, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रेजेंटेशन के द्वारा माने कि टेस्ट द्वारा वो हमें देखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल दोनों इमेज को कंपेयर कर सकते हैं, दाईं साइड की जो इमेज है ऊपर और नीचे लगभग सेम है। तो किसी पेशेंट का पेरीमेट्री में मैंने देखा कि उसका लगभग एडवांस स्टेज आ गया है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसको विजन की वजह से उसकी रोशनी में कितनी कटौती आई है और उसको डे टू डे उसकी एक्टिविटी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं।
और इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लो आपको किसी दर्दी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट सही जा रही है कि नहीं वो आपके डॉक्टर जो हैं वो या तो आपका ब्लड शुगर देखेंगे, या और एक जांच है HbA1c करके एक जांच है जो आपके पिछले 3 महीनों की एवरेज शुगर की जानकारी देती है, वो थोड़ा थोड़ा समय पे वो जांच करेंगे और बताएंगे कि हाँ आपके शुगर कंट्रोल में है और हमारी ट्रीटमेंट जो है वो सही काम कर रही है, आपका डायबिटीज स्टेबल है। पेरीमेट्री को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक जरिया है जिससे कि आपके डॉक्टर आपको ये तसल्ली दे पाएंगे कि अगर आपकी पेरीमेट्री स्टेबल है, मान लो आपकी पेरीमेट्री के काले धब्बे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट सही काम कर रही है, आपका ग्लूकोमा स्टेबल है। और अगर सालों दर सालों सेम पेरीमेट्री रिपोर्ट में स्टेबल रहती है, तो उस दर्दी को आगे जाके रोशनी कम होने का खतरा कम हो जाता है। हालांकि खतरा रहता ज़रूर है, हर समय दर समय आपको ये जांच रिपीट करवाते रहना चाहिए। कितनी बारी करवाना है, कौन से समय अंतराल पे करवाना है, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल पे, ये आपके डॉक्टर तय करेंगे। वो आपकी परिस्थिति है, आपका प्रेशर क्या है, आपकी नस की परिस्थिति क्या है, और आप में और कौन कौन से जोखिम परिबल है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, उससे तय करेंगे कि आपके अंदर वो जो है टेस्ट कितनी बारी करानी चाहिए और कितने अंतराल पे करानी चाहिए। सर, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सबके मन में आता है कि ग्लूकोमा पता चला हो गया कि ग्लूकोमा है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताएंगे? तो ये भी हम कोशिश करेंगे एक वीडियो के द्वारा जानने की। जैसे हमने पहले बताया कि ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट है, और अगर आपको पता है कि आपको ग्लूकोमा है, तो आप अपने आप को एक भाग्यशाली माने और आप अपनी रोशनी को सुरक्षित रख सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे आई ड्रॉप्स हैं, टीपे डाल सकते हैं, लेज़र किया जा सकता है, और सर्जरी की जा सकती है, सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। और ग्लूकोमा का उपचार बिल्कुल है, कुछ पेशेंट्स का ऐसा मानना होता है कि ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ग्लूकोमा का बिल्कुल इलाज है। समय सही समय पर अगर हमने उसकी जांच कर ली, तो या तो दवाई या टीपे, लेज़र या फिर ऑपरेशन, इनमें से जो भी ज़रूरत पड़ेगी आपके आँख के डॉक्टर आपको बताएंगे, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल ज़रूर है, पर वो लाइफ लॉन्ग रहती है। हम अंधापन को रोक सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपके डॉक्टर को सहकार देना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न ये था कि ग्लूकोमा के ड्रॉप्स क्या काम करते हैं और क्या उन्हें लगातार डालते रहना चाहिए, या उनका क्या रोल होता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, ड्रॉप्स क्या, टीपे का क्या रोल होता है? तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी आँख के अंदर आँखों का दबाव अगर बढ़ गया है, तो वो आँखों का दबाव हमें किसी तरीके से कम करना है। अभी आँखों का दबाव हमें कम करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि हम आँख के अंदर जो प्रवाही बन रहा है, वो जिस रेट से बन रहा है, जिस तेजी से बन रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर दें। क्योंकि ग्लूकोमा में अक्सर क्या होता है कि आँख के अंदर का पानी बनना तो सही तरीके से बन रहा होता है, पर अक्सर उसकी निकासी व्यवस्था में अवरोध होता है। तो जो ग्लूकोमा की दवाएं, मानो कि आँखों के डालने वाले टीपे होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं कि या तो वो जो आँखों का प्रवाही है, आँख के अंदर जो प्रेशर बढ़ाने वाला प्रवाही है, उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, उसकी तेजी कम कर देता है, या तो फिर वो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता देता है। जैसे मान लो हम ये मान के चले कि कोई मेजर हमारा मेन रोड बंद हो, रास्ता कहीं पे ब्लॉक हो, तो हम साइड रोड से जाने की कोशिश करते हैं,
उसी तरीके से आंख का जो निकासी व्यवस्था का मुख्य हिस्सा है, अगर उसमें रुकावट आती है तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि एक वैकल्पिक तौर पे एक नया रास्ता हमें देती हैं, जिससे कि आंख के अंदर के प्रवाही को बाहर निकलने का एक और रास्ता मिले और आंखों का दबाव कम किया जा सके। और जैसे हमने पहले बात करी कि आंखों की प्रेशर कम करने के लिए जो ग्लूकोमा की दवाई दी गई है उसको आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है, उसमें अगर कोई बदलाव है तो आपके डॉक्टर बिल्कुल आपको बताएंगे। वो डालने पे अगर आपको कोई परेशानी है तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉक्टर कोई और वैकल्पिक ट्रीटमेंट या वैकल्पिक टीपे देके आपकी परेशानी को कम करे, पर जब तक आपको आपके डॉक्टर ने मना ना किया हो तब तक उसको बंद ना करें। अगला प्रश्न ये था कि जो आई ड्रॉप्स जो टीपे हम डालते हैं तो उन्हें कैसे उनका यूज करना चाहिए, काफी लोगों को तो ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंखों की शीशी को हम कैसे खोलें, ड्रॉप्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, और इसको भी हम कोशिश करते हैं एक वीडियो द्वारा समझने की कि जैसे जो टीपे होते हैं उसको डालने से पहले आप अपने हाथ सही तरीके से साबुन से धो लें, क्योंकि आंख जो टीपे जो होते हैं उसको स्टराइल कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक्सपायरी देख लें, उसको हिला जब डालना हो उसको तो आपको बिल्कुल हिलाने के बाद ही टीपे डालना है, ताकि कुछ गाढ़ी दवाइयाँ होती है वो सही तरीके से घुल मिल जाए। उसको खोलना है, उसकी कैप को हम खोलेंगे, उसकी जो टिप होती है सबसे उपला ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉटल का, उसको हमें उंगली से टच नहीं करना है। उसके बाद हम आंखों की जो नीचे वाली पलक होती है उसको हम खींचेंगे और ऊपर से दूसरे हाथ से उसके अंदर टीपे डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे और जो हमारी आंख का जो अंदर वाला कोना है वहाँ पे प्रेशर डालेंगे ताकि दवाई आंख में बनी रहे। और तो इसी तरीके से आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीपे के इस्तेमाल के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल आंख के डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप जो दवाई हैं उसको सही ढंग से डालें। अगर आप सही रूप से नहीं डाल रहे हैं तो दवाई काम नहीं करेगी, और अगर आप एक बूंद की बजाय दो या तीन बूंद डाल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ बाहर निकल जाएं और बाहर की चमड़ी के ऊपर आपको वो थोड़ी सी तकलीफ दे। तो एक ही बूंद डालना है, और हो सके तो टिश्यू पेपर को साथ में रख सकते हैं ताकि जो बाहर निकली हुई बाहर गिरी हुई दवाई है उसको आप आराम से टिश्यू पेपर को वहाँ रख के ताकि टिश्यू पेपर उसको सोख ले और वो दवाई वहाँ से हट जाए। के जो हमारा चल रहा है कैसे क्या बदलाव कर सकते हैं, ज्यादा को और हम उससे ज्यादा लाभ पाए, हम क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमको ज्यादा फायदा हो। तो ये भी हम एक वीडियो के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल बाकी सारे रोग के लिए भी बहुत काम की है, उसी तरीके से ग्लूकोमा के लिए भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो बहुत सारा पानी एक साथ पीते हैं, उससे कि प्रेशर बढ़ता है, तो आप थोड़े थोड़े समय पे कम मात्रा में पानी पीजिए ताकि एकदम से आंखों का दबाव ना बढ़े। एक्सरसाइज करें, शीर्षासन बिल्कुल ना करें, इससे कि आंख का दबाव बढ़ता है। आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से सुझाव लें, और जो आपके आंख के डॉक्टर ने ली दी हुई है उसी दवाइयों का पालन करें। जो स्ट्रेस है वो
ग्लूकोमा को बढ़ा सकता है, तनावपूर्ण परिस्थिति ग्लूकोमा को बढ़ा सकती है, तो हो सके तो उसको जितना कम कर सके उतना कम करें, अपना वजन नियंत्रित रखें, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। जो ब्लड शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा, अगर आपका अगर चोट लगी है किसी कारण से तो आपके डॉक्टर के पास चेकअप करवाएं, और आप किसी ऐसे काम में हैं जिससे कि आपको चोट लगने का खतरा है तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने जिससे कि आपको आंख में चोट ना लगे। उस इन सारी चीज़ों के उपरांत जैसे अभी कुछ परीक्षणों में मालूम हुआ है कि जो मेडिटेशन है, जो प्राणायाम योग है, ये सारी चीज़ें हमारा स्ट्रेस कम करने में मदद करती हैं और वो ग्लोकोमा में भी मदद करती हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि आपका डाइट, आपकी स्लीप, स्ट्रेस कम करना और ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये पाया गया है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने से ग्लूकोमा में ट्रीटमेंट में हमें बहुत मदद मिलती है। तो पेशेंट्स को ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए। आप अपने आँख के डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल में कौन से परिबल आप चेंज कर सकते हैं, कौन सी हैबिट्स चेंज करने से आपकी ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में मदद मिल सकती है। तो टीपे और लेज़र या सर्जरी जो भी चीज़ है उसके साथ ये चीज़ों सब को करने से आपके ग्लूकोमा को ट्रीट करने में एक और अच्छे विकल्प मिलेंगे और मैं ये समझता हूँ कि आप अपने ग्लूकोमा को बेहतर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं फिर से दोहराऊंगा जो काफ़ी बार मुझे पूछा जाता है कि क्या ग्लोकोमा की वजह से होने वाले अंधेपन को हम रोक पाएंगे या ग्लोकोमा का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। तो एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर या और स्पष्ट करना चाहूँगा कि ग्लोकोमा का क्योर नहीं है पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर हमने मान लो सही तरीके से डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया, रेगुलर चेकअप कराया, रेगुलर जांच कराई, तो हम ग्लोकोमा को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। उससे रोशनी में जो कम कटौती हो रही है उसको बिल्कुल रोक सकते हैं, जहाँ है वहाँ पे उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। और कुछ सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि लंबे माने 10 या 20 साल या 25 साल में ग्लूकोमा की वजह से जो अंधापन आता है उसको रोकने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक कि जो आपकी ट्रीटमेंट यानी आपके जो टीपे हैं वो टीपे आपको सही ढंग से डालने हैं, और दूसरा आपके डॉक्टर ने आपको जो सही तरीके से फॉलोअप के लिए डेट दी है कि आपको हर 4 महीने पे या हर 6 महीने पे आपको एक चेकअप के लिए आना है, तो आपको सब कुछ सही लगे, आप टीपे डाल रहे हैं, आपको कोई आंख में परेशानी नहीं है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको 6 महीने पे रेगुलर चेकअप कराना है तो आपको कराना ही चाहिए। क्योंकि जैसे पहले बताया, अगर आपका ग्लोकोमा आगे बढ़ रहा है तो आपको कोई लक्षण पता नहीं चलेंगे, आंख के डॉक्टर चेक करेंगे, पेरीमेट्री टेस्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे, तो उनको शायद पता चल जाएगा कि भले आपको कोई सिम्टम्स बढ़ नहीं रहे हैं पर आपका ग्लूकोमा और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? ये दो चीज़ों का पालन करने से, जो दवाई बताई गई है और जो आपको चेकअप के लिए बुलाया जाता है, ये दो चीज़ों का आपके डॉक्टर के कहे अनुसार अगर आप पालन करेंगे तो मेरा मानना है कि हम ये अंधेपन को रोक सकते हैं और आगे रोशनी की कटौती होने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न सर ये था कि यदि
ग्लूकोमा है या किसी मुझे ग्लूकोमा है, तो मेरे परिवार में और किसी को भी ये रोग हो सकता है? तो ये एक, फिर से मैं दोहराऊंगा, हम इस पे बात कर चुके हैं कि जो दर्दी को ग्लूकोमा है उनको अपने परिवारजनों को, खास करके जो निकट परिवारजन हैं, जैसे बेटा बेटी बुजुर्ग हैं उनके बेटा बेटी या उनके भाई बहन, तो उनको खास करके ये सुझाव देना है कि जो मुझे ग्लूकोमा है वो शायद आपको भी हो सकता है, और उसके लिए आपको अपनी जांच आंख के डॉक्टर के पास करानी चाहिए। तो हम हमेशा से जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं उनको ये सुझाव देते हैं कि आपके जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव माने निकट जन हैं उनको प्रोत्साहित करें आंखों का चेकअप कराने के लिए, खास करके 40 साल की उम्र के ऊपर, क्योंकि ग्लूकोमा जो है वो 40 साल की उम्र के ऊपर होता है और वहाँ से रिस्क बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सिचुएशन के अंदर जो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है किसी के, आपके या कोई भी व्यक्ति है जिनको अभी पता नहीं है या उनको उन ग्लूकोमा नहीं है, पर उनके कोई भी रिलेटिव है, उनको मामा या काका या कोई भी रिलेटिव है जिनको ग्लूकोमा है, तो आपको अपने आप अपने आँख के डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो बतानी चाहिए, और वो बताने से शायद हो सकता है आपकी आँख में भी शुरुआत हो गई हो, और क्योंकि आपने एक अच्छा कदम लिया अपना रेगुलर चेकअप कराने का, तो हो सकता है कि आपका ग्लूकोमा पहले ही पकड़ में आ जाए। पहले ही पकड़ में आ गए तो मैंने जैसे पहले बताया हम 50% जंग वैसे ही जीत चुके हैं, और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको कभी ऐसी नौबत ना आए कि जैसे आपका ग्लूकोमा इतना बढ़े कि जिससे आपकी रोशनी में असर आए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको पहले ही पकड़ना है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करे उससे पहले ही अगर वो हमारे ध्यान में आता है तो उसकी बहुत अच्छी सारवार मुमकिन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जो हमें लगा कि सबकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मैं अर्पित जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो उनकी तरफ से कोई प्रश्न और बाकी हो या अपनी कोई बात शेयर करना चाहेंगे, उनका अनुभव कैसा रहा है, अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, ताकि लोगों को एक प्रोत्साहन मिले कि अगर सही समय पे जल्दी हमने रोग की ट्रीटमेंट या रोग का निदान कर लिया तो शायद ऐसी नौबत ही ना आए कि जिससे कि ग्लूकोमा आपके विजन को कम कर सके। अच्छा, परामर्श लें, वो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी दवाई डालना चाहिए, जांच करवाना, वो आप करें, और जैसे वो फॉलोअप करते हैं आपको, वैसा अगर आप करते हैं तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि मुझे भी जब स्टार्टिंग में जैसा पता चला था, तो काफ़ी ज़्यादा, आजकल गूगल हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कुछ होता है तो हम लोग सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो अब सर्च करने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इसमें ऐसा इसमें जो वो, अगर आप जो जो भी आई डॉक्टर आप उनसे करते हैं, से आप परामर्श लेते कि कैसे उसकी जांच करवा के और कैसे इस
में आगे किस स्टेज पर है, किस तरीके से आगे बढ़ सक, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यही है कि हमें सावधानी रखना है और टाइम टाइम पे चेकअप जरूर करवाना है। तो हम आशा रखते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको शायद मदद कर सकती है, और या आप ये फेसबुक लाइव वेबिनार को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से, आपको लगता है जिनको इनसे मदद मिल सकती है, और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर से मैं एक बारी आभार व्यक्त करूंगा अर्पित जी का, जिन्होंने समय लिया और इतने अच्छे वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की, और मैं आभारी रहूंगा डॉक्टर सपना का, जिन्होंने ये वेबिनार एक बहुत अच्छी पहल ली है जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके, और हम आशा रखते हैं कि हम आगे भी इसी तरीके से आपको और ज़्यादा जानकारी देते रहेंगे जिससे कि एक जागृति फैले। और मैंने जैसे पहले बताया, जागृति ही इस बीमारी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।